नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाकर और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के खटिकान मोहल्ला में। और यहां पर आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये यहां पर जो मस्जिद है वो है। और यहां अभी अभी जो चरखी दादरी प्रशासन और पुलिस जो है वो यहां पर पहुंची। चरखी दादरी पुलिस की तरफ से खुद पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा यहां पर पहुंचे और SDM साहब उनके साथ मौजूद रहे। और इस दौरान उन्होंने तफ्तीश की कि जो भी लोग यहां पर रह रहे हैं उनका कहां कहां पर आना जाना हुआ है और कैसे कैसे किन किन लोगों से मिले हैं। हालांकि जैसे कि अभी पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने यहाँ पे बताया कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन सभी लोगों का चेकअप करवा लिया गया है, सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। और जब से लॉकडाउन हुआ है ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। इससे पहले ये लोग आसपास के गाँव में पहुँचे थे और वहाँ पर इन्होंने अपना जो प्रचार का काम किया था। लेकिन अब जब इन लोगों के यहाँ से पूरी की पूरी तफ्तीश कर ली गई है, इनका जो टेस्ट करा लिया गया है, लेकिन उसके बाद अब जो इनसे मिलने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ढूंढा जा रहा है और उनसे का भी जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को बता दें कि अभी तक कोई भी जो कोरोना वायरस से कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला है। और अभी भी जैसे यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी के सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके लिए कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर खुद पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि सभी लोग घरों में रहें और स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। आज हम जामा मस्जिद में जो जमात के लोग आए हुए हैं 16 आदमी, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए कि ये लोग जब से यहाँ पर आए हैं किन किन लोगों से इनकी मुलाकात हुई वो हमने डिटेल ले ली है। कल इनका मेडिकल चेकअप करवा लिया गया था और 18 दिन से 15 तारीख की शाम से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल जो मेडिकल इनका करवाया है सबका, वो डिटेल में किसी के अंदर भी कोई भी लक्षण नहीं मिला है। 16 के 16 आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और जो इनकी देखभाल करने वाले हैं मोहम्मद शरीफ वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा लक्षण नहीं मिला है कि इनका ऊपर कोरोना वायरस का कोई असर आया हो। फिर भी एहतियात के लिए जो और लोग इनके कॉन्टेक्ट में आए हैं उन लोगों की जानकारी हमने ली है और उन लोगों का भी हम अभी आने वाले दिनों में या आज मेडिकल कराएंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को जमात के जो लोग आए हैं उनसे मिलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन 18 दिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही हो चुके हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और फिर भी प्रशासन जो है सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं पर भी एक छोटी सी एक व्यक्ति के ऊपर कहीं से कोई वायरस जो है वो इफेक्ट ना कर गया हो, ताकि उसका और आगे कहीं किसी दूसरे समाज के लोगों में ना प्रभाव गलत तरीके से जाए। सर, मिर्जापुर से टोटल अपने दादरी में कितने लोग थे? 18 लोग आए थे 15 तारीख को, उनमें से 16 लोग निजामुद्दीन से जो आए थे यहाँ पर हैं और 2 लोग 19 मार्च को वापस मुंबई जा चुके हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए, लॉकडाउन का आज 8वां दिन है, तो किस तरह की सुरक्षा के प्रबंध पूरे दादरी जिले में? आप लोग देख ही रहे हैं घूम घूम करके पूरा हर एक गली चौक चौराहा बाजार सब्जी मंडी ग्रेन मंडी फल की मंडी हर जगह पर पुलिस मुस्तैद है। और पुलिस मुस्तैद होने के बाद में बार बार कई गाड़ियां जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोगों को लगा करके सचेत किया जा रहा है कि कोई भी अपने घर से ना निकले। और मैं भी ये कह रहा हूं आपके माध्यम से लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि कोई भी आदमी अपने घर से ना निकले। अब तक हमारे ज़िले के अंदर कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है और इस तरीके से अगर हम लॉकडाउन की पालना करेंगे तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि कोई भी लोग जो है हमारे जिले का कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। दादरी जिले में टोटल कितने नाके लगाए गए हैं और जो बॉर्डर पार कर रहे हैं उसको रोकने के लिए कैसे कर रहे हैं? नाके कुल 16 नाके हमने लगा रखे थे, लेकिन अभी जो शेल्टर होम जो बनाए थे उन नाकों को फिर बदल दिया गया था। कल हमारे नाकों की संख्या 29 थी, जरूरत के मुताबिक नाकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तकरीबन 600 पुलिसकर्मी जो है यहाँ दादरी जिले के अंदर ड्यूटी के ऊपर नियुक्त हैं और 21 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स DC साहब के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। DC साहब, ADC साहब, SDM सिटी मजिस्ट्रेट और पूरा उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अमला और पूरी पुलिस 24 घंटे में से 19 घंटे ड्यूटी पर रह करके लोगों को इस संक्रमण से बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डर पार करने वाली जो बात है, हमारे जिले से कोई भी आदमी दूसरे जिले में ना जाएगा और दूसरे जिले का कोई भी आदमी हमारे जिले में नहीं आएगा, इस बात को हमने बहुत बढ़िया तरीके से सुनिश्चित कर लिया है। कल भी जो लोग थे इधर उधर से खेतों से होकर के दूसरे जिलों से जो आ गए थे 55 आदमी इस तरीके के हमने कल शेल्टर होम के अंदर छोड़ दिए हैं, उनका मेडिकल चेकअप करवाया है, सारे स्वस्थ हैं
और उनके खाने पीने, रहने और भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। सर, गांव में भी कुछ लोग हैं वो पहुंचे हैं और उनको वहां पर भी रोका गया है शायद? जो लोग नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जमात के कॉन्टैक्ट में कुछ जो तकरीबन 8-10 लोग की संख्या के बीच में को लोग आए थे, उनकी सूची अभी हम बना लेंगे, जानकारी हमने ले ली है और उन सब लोगों का शाम तक आज मेडिकल करवा। सर, नज़दीक के चरखी गांव में भी गए हुए बताए हैं, तो चरखी गांव में ही गए थे जी? चरखी गांव में ही गए थे, वहीं पर जो इनसे मिलने वाली शाम की जो नमाज है 8:30 बजे की, उसकी नमाज के वक्त के ऊपर कभी 6, कभी 7, कभी 5 कभी, तो वो कुल संख्या जो है वो 10 के आसपास पहुँचती है। रोज़ के रोज़ जो मिलने वाले जो आदमी थे उन लोगों से उनकी डिटेल हम अभी ले रहे हैं और डिटेल लेने के बाद में उनका मेडिकल चेकअप करवा लिया जाएगा। सर, मंदिर को बंद कर दिया गया है, तो क्या मस्जिदों को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? मस्जिद भी बंद है, आप देख रहे हैं, कोई भी धार्मिक संस्थान है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा है, कोई शादी समारोह, ब्याह, कोई भी समारोह जो है उसको करने की और धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक फंक्शंस को करने की कोई भी इजाज़त नहीं है और सभी के सभी जिले के अंदर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सारे बंद। सर, कॉलोनियों में भी कुछ जगहों पे अभी भी देखा जा रहा है कि लोग बाहर निकल के बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कॉलोनियों की समस्या ये है कि बहुत संकीर्ण जो है वो संकरी गलियाँ हैं और साढ़े तीन फुट की गलियाँ हैं और छोटे छोटे लोगों के घर हैं, तो वो लोग जो घरों के बाहर बैठते हैं उनको समाज के लोगों के, मोहल्ले के लोगों के माध्यम से और पुलिस और प्रशासन के लोगों के माध्यम से बार बार समझा रहे हैं कि वो घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और वो अपने घरों में रहें। लेकिन उनकी दलील यह है कि जब अपने घर की चौखट पे बैठते हैं, दूसरे लोगों से नहीं मिलते और बाहर की ठंडी हवा, खुली हवा लेने के लिए आ जाते हैं, तो लोगों को समझाया जा रहा है, लोग इसकी पालना भी करते हैं कि अपने घरों के अंदर ही वो सीमित रहें। वहीं इस बारे में मस्जिद में रहने वाले लोगों की देखभाल करने वाले मोहम्मद शरीफ से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि जितने भी लोग यहाँ मस्जिद में पहुँचे हैं वो लॉकडाउन से पहले पहुँचे थे और सभी के सभी स्वस्थ हैं और जितने भी इधर उधर जहाँ पर भी जाया जा रहा है उनके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। पर अभी मौजूद हैं मस्जिद में 16 आदमी, तो जब से ये बंद किया गया था तो उसके बाद ये लोग आए हैं या पहले से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 2-3 दिन पहले से, जैसे प्रधानमंत्री का ऐलान उस दिन से 1-2 दिन पहले आए। तो इस दौरान में क्या, जैसे नमाज का वैसे तो आपने पर्चा भी लगा रखा है, लेकिन क्या नमाज के बिल्कुल जाती सब बंद कर दिया? इनके अलावा 16 आदमी के कोई नहीं आता, मैं आता हूँ सर। तो जैसे कि अभी पता चला कि ये लोग यहाँ से निकल के चरखी गाँव तक भी पहुँचे हैं, तो ऐसा क्यों किया गया सर? उससे पहले था ये, लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले था ये, उस टाइम मिले थे, उसके बाद कहीं नहीं गए इधर से, उसके बाद सभी लोग यहीं पर हैं, एक कदम भी बाहर ना जाने दिया इनको, इनकी देख रेख मैं कर रहा हूँ, खाने पीने का बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें VTS Live News। मैं समझदा का VTS Live News के लिए।